SRM टुडे शहर की आवाज। मंदसौर पुलिस ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या के मामले का पूरा खुलासा किया है, जिसमें आरोपी ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है कि उसने पैसों के लेन देन से परेशान होकर दादा की हत्या की थी। देखिए ये रिपोर्ट। जननायक की हत्या का खुलासा करने हेतु पुलिस द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस ने हत्यारे को मीडिया के सामने लाकर पूरे मामले का खुलासा किया। इस प्रेस वार्ता में हत्यारे मनीष बैरागी ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं और दिल से पार्टी के लिए चुनाव में काम किया, जिसमें 1.5 लाख रुपए खर्च किए, पर दादा सिर्फ मुझे भरोसा देते थे कि तुझे पट्टा दूंगा, गुमटी स्थायी कर दूंगा आदि, पर आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मेरी माँ की मौत के वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, पर लाख मांगने पर भी मुझे पैसे नहीं दिए गए। यह बात सबको पता भी है। तब मैंने यह ठान लिया कि मैं इनकी हत्या कर दूंगा, जिसे मैंने पूरा किया है, जिसका मुझे यकीन है कि मैंने यह सही किया, क्योंकि जो नेता बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आए वो हमें नहीं चाहिए। इस संबंध में SP तुषार कांत विद्यार्थी ने बताया कि पैसे के लेन देन को लेकर मनीष बैरागी ने हत्या की, जिसमें 32 गोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है, जो वह अपने मित्र अजय जाट से लाया था, और हत्या करके पिस्टल अंकुर अपार्टमेंट में बने ऑफिस में रखकर प्रतापगढ़ जाकर सरेंडर किया, जिसके बाद इसे यहां लाया गया और पुलिस ने पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए और अजय जाट पर भी शिकंजा कस लिया है। पर्दा होने के 30 घंटे बाद आ गया है। लगातार हमारी पुलिस सर्चिंग भी कर रही थी, दबिश भी दे रही थी, इससे जुड़े हुए जो परिजन थे, इनके दोस्त थे, लगातार उनको लाके पूछताछ की जा रही थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये प्रतापगढ़ पहुंच गया और प्रतापगढ़ पहुंच के ये हमारे पास आ गया है। इसने इनिशियली जो हमसे वारदात में कैसे इसने अंजाम दिया, इस सारे बारे में जब इससे पूछताछ की गई तो उसने जो हमारे पास फैक्ट्स बताए हैं, उसने इस हत्याकांड में 32 बोर की पिस्टल का इस्तेमाल किया था। ये 32 बोर की पिस्टल उसे उसके मित्र अजय जाट ने दी थी, जो पहले भी आर्म्स के प्रकरणों में यहाँ गिरफ्तार हो चुका है। उसको उसने 2 मैगजीन और 10 कारतूस दिए थे। 17 तारीख को वारदात को अंजाम देने के पहले उसने इसका एक ट्रायल भी किया था गांधीनगर में झाड़ियों के पास जाके, और जब उसको लगा कि दुरुस्त चलने लगी है तो इसको जाके उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसमें जो मोटिव अभी तक हमारे सामने आए हैं, उसका ये कहना था कि मैंने बड़ा एक्टिवली इलेक्शन में नगर पालिका के पार्टिसिपेट किया था, सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, होल्डिंग्स लगाने के लिए मैंने 1.5 लाख रुपए उस समय गोलू और मिस्टर साहू गज्जू साहू इनको मैंने 1.5 लाख रुपए दिए भी थे कि होल्डिंग्स वगैरह लगाए उसमें, और उसकी उम्मीद ये थी कि ये पैसा कहीं ना कहीं विभिन्न रूप से उसके सामने आएगा। उसको उम्मीद थी कहीं दुकान का पट्टा भी उसको मिलेगा, मकान भी उसको मिलेगी, लीज के रूप में मिल जाएगी। उसकी एक्सपेक्टेशंस जो 1.5 लाख रुपए उसने दिए थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसको वापस मिलने की उम्मीद थी, और ये उसका मूल पैसा भी उसको वापस नहीं मिल पाया था। अभी मैंने गोलू और जो गज्जू साहू हैं उनसे पूछताछ करी थी तो उनका कहना था कि हमने एक बार 50,000 और एक बार दादा ने खुद 75,000 रुपये उसको वापस कर दिए थे, 25,000 रुपये बाकी थे, और इसके अतिरिक्त वो जो ब्याज इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर ज़्यादा पैसे उम्मीद कर रहा था कि ज़्यादा पैसे मुझे मिलेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशंस थी। इसके अलावा उसका ये कहना भी था कि वो मेरी वगैरह उसके साथ ही गोलू वगैरह को कहीं स्विमिंग पूल का कॉन्टैक्ट मिल गया, कहीं उसको उसकी इनोवा गाड़ी वहाँ पे लगा दी गई, लेकिन मेरे को कोई भी आर्थिक लाभ इसमें प्राप्त नहीं हो रहा था, इससे लेके बहुत क्षुब्ध था। इसी दौरान लगभग 1.5 महीने पहले उसकी माँ का इलाज हुआ, माँ हॉस्पिटल एडमिट रही, उस समय भी उसको पैसे की आवश्यकता थी, माँ की डेथ हो गई। 12वें पे फिर वही गया कि माँ मेरे भाइयों को हरिद्वार भेजना, मेरे पास पैसे नहीं, आर्थिक तंगी से वो जूझ रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पैसे नहीं मिल पाए। दादा से ही उसने बोला और गोलू से ही बोला, गोलू बोला दादा पैसे देंगे, और दादा कह रहे थे कि गोलू पहले क्लियर हिसाब बता दे कितना देना है तब मैं दूंगा। इस तरह का कन्वर्सेशन चलता रहा। इसी दौरान उसके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और इस पूरे घटनाक्रम में जब वो आर्थिक बदहाली से गुजरा था तो उसने प्रण किया मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, और इसी प्रण में उसने इस घटना को 17 जनवरी को सायंकाल 7 बजे उसने रैकी किया। उसको मालूम था कि ये लोकेंद्र कुमावत यहाँ लगातार आते हैं, शाम को जब ये पहुंचे तो वहां पर उसने रैकी करके उनके ऊपर 3 फायर किए, उसमें से 2 फायर उनके सिर के ऊपर और एक पेट के ऊपर किया, और जिनको तत्काल वहां पर जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनको डेड डिक्लेयर किया गया। वहां से ही भागा, भागने के बाद उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, बाइक इसकी स्टार्ट नहीं तो मौके पर छोड़ के भाग गया। उस समय मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी हमारे पास आए हैं,
वहाँ उसके पैर में इंजरी भी हो गई। उसने फायर आर्म 32 बोर की पिस्टल थी, उसने अंकुर अपार्टमेंट्स का उसका कोई एक ऑफिस बना रखा है, उसने वहाँ पर उसने दरी के नीचे हथियार रखा और वहाँ से भाग के ऑटो से, बस से, ट्रेन से, सभी मोड इसने इस्तेमाल किए और प्रतापगढ़ वहाँ पर पहुँच गया। प्रतापगढ़ पहुँच के वहाँ पर जब वो आग जला रहा था तो वहाँ पर कंसर्निंग एक कांस्टेबल संजय करके नाम बता रहा है, उसको बताया कि मैं इस तरह से मर्डर केस का आरोपी हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इस तरह से उसका ये था कि वहाँ पर ये अरेस्ट हो जाता और उसकी बाकी प्रक्रिया की चीज़ें होती रहती, लेकिन मेरे संज्ञान में देर रात में जैसे ही विषय आया मैंने वरिष्ठ स्तर पर बात की और ये यहाँ पर आरोपी आया। हमने वो इसे फायर आर्म, दोनों मैगजीन और लाइव 7 कार्टेज भी बरामद कर लिए हैं। अजय जाट भी हमारे हिरासत में आ गया, उसने इस चीज़ को एडमिट कर लिया है। इससे कंसर्निंग जो भी डाटा था, जिससे उसने इंट्रोडक्शन कराना था गोलू और ये सबसे मैंने क्रॉस चेक भी किया, तो ये सारे फैक्ट्स जो बताए वो सही, इनकी तस्दीक हो गई। हालांकि वो पैसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और ये सब है, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं। उस दिन भी मैंने इंडिपेंडेंट विटनेसेस से बात करने की कोशिश की थी, इंडिपेंडेंट लक्की कुमावत, जब उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल 100% ये व्यक्ति ने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया और इस तरह से भागा है, तभी नामजद इसमें FIR सुनिश्चित की गई है। उनको बुला लीजिए गोलू को। आपने जो कहानी बताई है शहर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है, कहीं लोग देख लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से इसका आज तक कोई अमल नहीं हुआ और ये एक नई घटना अपने सामने आ गई। इसमें आपने जो तथ्य बताए उसको भी एग्जामिन कर लूंगा कि क्या कमिटमेंट किया गया था और उसमें क्या अपन प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। देखिए अभी तो हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं, वी हैव टू फर्दर इंक्वायरी, हमारा फर्दर इंट्रोगेशन होगा पुलिस रिमांड के दौरान, उसके बाद ही चीजें निर्णय किया कि आगे उसमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। इनको देखना यार, कितने घंटे बाद ये क्लियर हुआ कि घटना को मनीष ने ही अंजाम दिया। अब इसमें देखिए लगभग 3 से 4 घंटे तो लगे हैं, इसमें 3 से 4 घंटे लग गए थे क्योंकि फाइनली नाम कई तरह के नाम आ रहे थे, X, Y, Z, Alpha, Z, इन सबको जब धीरे धीरे उठाया गया और हमारा इंट्रोगेशन लगातार चला तो अगले 3-4 घंटे के भीतर ये लगभग कन्फर्म हो गया कि हत्याकांड को अंजाम इसने दिया। वो कहाँ चले गए? नहीं आया मैं अभी करवा दूंगा, आप प्लीज करवा देंगे, मैं आ जाऊंगा, हो जाएगी प्लीज, मैं भी करा दूंगा, चलिए तो प्लीज करा दूंगा, मेरा करवा दूंगा आपको, प्लीज 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 वेपन्स की फोटो करवा लीजिए। सर इधर सर इधर सर इधर सामने से बहुत बढ़िया दो मैगजीन है, पिस्टल होंगे अच्छे अच्छे मतलब चलाने वालों से आपको, और इसकी इसने बाकायदा प्रैक्टिस करी गांधीनगर में जाके, चल 17 तारीख को रिहर्सल यदि आपको मिल जाए तो इसकी कीमत कुछ और है और मेरे पास है। गंजू ये बताओ मेरे को गोलू, ये थोड़ा जानना चाहिए आप लोग। हाँ बोलो, ये इसने पहले एक बार आपको भी चमकाया था कि पैसा दिलवा दे नहीं तो खुद बोल, बोलो इनको बताओ पैसे कब लिए थे, कैसे लिए थे, बताइए पहले बोलो, चुनाव इनको बोलिए, इनको कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति है तो उसमें से 1,25,000 वापस दिए थे, 50,000 क्या पैसे क्यों दिए थे इसने आपको होटिंग लगवाने के लिए, होटिंग लगाए थे, कब की बात है ये चुनाव के टाइम की बात है। कितने पैसे? 1,50,000 रुपए। इनकी कितनी डिमांड थी? किनकी? ये कितने पैसे मांग रहे हैं? 2.5 लाख बता रहे थे और हमारी मूल पूंजी हमारी वही थी 1.5 लाख रुपए। अच्छा, मूल पूंजी थी बट ही वाज एक्सपेक्टिंग मोर मनी। कितने दे दिए थे? 1,25,000 रुपए दे दिए थे खाली। अरे पर इधर भी तो है ना यार, एक्चुअल में कितनी नहीं, इसका कहीं भी कोई भी चीज सामने नहीं आई है, कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, बहुत ही फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। एक एक चीज हमारा क्या कहना है, एक मिनट, हम कितने फादर है सर, फादर आप बताइए, आप उनके साथी बताइए,
पैसे लेके आया था चुनाव में कुछ काम आप साफ सबको बताइए उसको पैसे देने के लिए 50,000 रुपए में लेके आया था इनको तुम देख के आए थे और बाकी पैसे किसने लौटाए इनको 75,000 रुपए दादा ने दिए दादा ने दिए सीधे और अभी जब मम्मी शांत हुई थी उनका मेरे पास फोन आया था बस के दादा मेरे पैसे चाहिए गोलू से बोलना मेरे को पैसे चाहिए वरना मेरी मम्मी की टाइम पैसे नहीं तो मुझे बाद में पैसे नहीं चाहिए अच्छा बोल दिया दादा को दादा फोन आया था अंकल का ठीक है आपको मदर के समझ क्या है देखो इनको क्या हुआ था मनीष कैसे हुआ था हाँ तो वहाँ के अंदर बैठे चाय वाय पी रहे थे मैं इंतजार कर रहा उनका बात उनकी बात खत्म हुई चाय पी के वो बाहर आए फिर मैं गया उनके पास जैसे आराम करी गोली मार दी तो कोई बात नहीं करी उस टाइम आपने नहीं कोई बात नहीं कितनी फायर किया आपने 3 फायर कर पहला फायर कहाँ किया और दो पहला पेट में और दो फिर सिर में पहले ये सोच के गए थे कि मर्डर करना है बिल्कुल मारने की सोच के गया था मैं जो मेरे को इस समय मेरे आप दादा को कितने पैसे दिए थे इसको दादा को मिलाज जी को 1.5 लाख आपने जी अच्छा इसके अलावा फायदा किस किस को पहुंचाया दादा ने उनके नाम भी बताइए जो आपके साथ कार्यकर्ता काम है गोलू गज्जू इन की गाड़ियाँ लगी हुई है ये ठेके पे और इसके अलावा मुझे लग रहा है मनीष भाई इस घटना को लेके आपका क्या कहना है क्या मजबूरी थी कि आपको ये स्टेज उठाना पड़ा मेरे को दादा ने कहा तेरे को मैं चुनाव जीत के अब तू भी खर्चा कर दे मैं तेरे को काम भी लाऊंगा ठेके वेके भी लेंगे अपन तू जो कहेगा वो ठेके भी तेरे को मिलेंगे तेरी जो गुमटी पड़ी हुई है श्रीकोल चौराहे पे वो तेरे स्थायी कर दूंगा मैं उस बात को बेवकूफ़ बनाते बनाते मेरे को 3-3.5 साल हो गए आप सभी को मतलब लगभग आधे लोगों को मालूम होगी ये बात उसके बाद बोला था कि तेरे एक मकान का पट्टा कर दूंगा इसमें से कुछ भी काम मेरे लिए कभी भी नहीं करा उनने उसके बाद फिर अभी ये नहीं एक पत्रकार की घूमती मेरी घूमती के आगे लगवा दी इनने सीकोल चौराहे किस पत्रकार गोपाल मंगोलिया करके नाम है बोलते हैं मनीष भाई बाद में मेरी मदर एक बार हुई मेरे जो पैसे निकल रहे थे मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे ये मेरे सभी दोस्त लोग जानते हैं मैंने मेरे पैसे मांगे और बिल्कुल मैंने स्पष्ट बिल्कुल विनोद भैया से कह के भी बोला मैंने कि दादा से बोल देना मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे पैसे हैं मेरे इस टाइम में मेरे को दे दो अगर आज नहीं दोगे तो फिर मैं कभी पैसे नहीं लूँगा बस मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि दादा को मारूंगा तो तुमने ये दुकान भी तो खोली थी मोटू पतलों की खोली थी उसमें घाटा गया हमको उसमें अभी 3.5 लाख सभी को फायदा पहुंच रहा सर मेरे को आज तक कुछ फायदा नहीं मिला कौन कौन लोग हैं जिनको जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा उठाया और आपको फायदा नहीं मिला ऐसे काम करा मैंने तो और हमेशा मैं तो सबके लिए दिल से काम करता हूँ आप लोग खुद आगे रख के पैसे दिए तो मांगे थे आप मनीष भाई मनीष भाई भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा कार्यकर्ता नहीं हो क्या कहना है आपका बिल्कुल है भाजपा कार्यकर्ता हो बिल्कुल है आपने कोई सदस्यता ली थी मनीष भाई वो मोबाइल से जो लेते हैं ऑनलाइन सदस्यता है दूसरा ये अंकुर अपार्टमेंट के जो लगा वो मैंने करा मेरे ऐसे बुरे समय में जो मेरा नेता काम में नहीं आए मेरे को ऐसा नेता नहीं आपको लगता है जी जो नेता होते हैं उनके कार्यकर्ता जिनके लिए काम करते नेताओं को कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए अदरवाइज रिजल्ट ऐसा बिल्कुल रखना चाहिए जो दिल से काम करेगा दिमाग से नहीं और जो दिल से काम करेगा उसका साथ देना चाहिए कार्यकर्ताओं के जो आप एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के और कार्यकर्ता का शोषण जो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आपने हत्या की है या किसी है? मेरी माँ की लाश पड़ी थी घर में मेरे को पैसे की आवश्यकता थी और उस समय इन्होंने पैसे नहीं दिए कैसे घटना को अंजाम दिया मनीष जी आपने कैसे घटना को अंजाम दिया कैसे प्लानिंग करी आपने मैंने क्या क्या करा आपने कैसे प्लानिंग करी थी टेबल्स पे खड़ा रहकर इंतजार कर रहा था सर नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर गोली मारी थी कौन आरोपी पकड़ा है और किन बातों को लेकर घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया है सर बताइए घटना क्रम है और उसका खुलासा है क्या कुछ जाने यार 17 जनवरी को सायंकाल 7 बजे
हमारे नगर पालिका के प्रहलाद जी की जो निशंस हत्या हुई थी उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष बैरागी का उस हत्याकांड में रोल था, उसके पास जो वेपन इस्तेमाल हुआ है वो वेपन भी पकड़ लिया गया है, उससे 32 बोर की पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं। जो मोटिव सामने आए हैं हत्याकांड के वो ये थे कि इलेक्शन कैंपेन में नगर पालिका के इसने कुछ पैसे उसमें दिए थे और वो मैन ट्रस्ट कुछ ज़्यादा पैसे चाह रहा था, इसी तरह से कुछ लेन देन की बात थी, कुछ मकान और दुकान के जुड़े हुए मुद्दे थे। इन सब से क्षुब्ध होकर उसके आशा के अनुरूप काम न होने पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और जो जानकारी है इसमें अजय जाट के नामक व्यक्ति से उसने ये हथियार लिया था और उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया। सर, अजय जाट को मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया? उससे पूछताछ की जा रही है, आप जब चाहेंगे वो आपके सामने ही पेश हो जाएगा। सर, ये घटना के बाद किस वाहन से भागा था? यहाँ से वो पैदल भागा है, किसी बाइक मौके पर छूट गई थी, स्टार्ट नहीं हो पाई थी, CIU 1834। वहाँ से भाग के फिर वो सुचिता टाकिज में कूदते हुए पैर में इंजरी भी हो गई थी, फिर ऑटो लिया, ऑटो से बाई बस, बस से ट्रेन होते हुए वो प्रतापगढ़ पहुँचा। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि ये इसकी पुष्टि हो रही है, संभवतः यही बात सही है। यहाँ कैसे पहुँचा है सर आपको? यस, यही बोल रहा हूँ मैं कि प्रतापगढ़ पुलिस को मिला था और उन्होंने फिर हमको हैंडओवर किया और सारी चीज इंट्रोगेशन में सामने आ गई। अब क्या बात सामने आई है सर पूछताछ में, और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कुछ है? अभी तक और अन्य व्यक्तियों के नाम सामने नहीं आए, इंट्रोगेशन आगे पुलिस रिमांड लेके भी किया जाएगा। दो गवाह भी हैं, उनमें क्या बताया है? आई विटनेस ने इस बात की पुष्टि की है कि इसी ने हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने कार्यकर्ता विशेष के बारे में नहीं पूछा है, किसी पार्टी से संबद्धता थी या नहीं थी इस विषय में नहीं पूछा है, लेकिन उसने अध्यक्ष महोदय के चुनाव में जरूर हिस्सा लिया था। थैंक यू। मंदसौर में 17 जून को दिल दिलाने वाली घटना को मनीष बैरागी द्वारा अंजाम दिया गया। अंजाम ऐसा दिया गया कि मंदसौर के नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बनवार को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। प्रेस वार्ता में आयोजित बताया गया कि मनीष बैरागी द्वारा लगभग 2.5 लाख रुपए चुनाव में प्रहलाद दनवार के खर्च किए गए थे। उसी के संबंध में जो प्रहलाद दनवार जो नगर पालिका चुनाव में 2.5 लाख रुपए के फ्लैक्स लगाए गए थे शहर के अंदर जीतने के बाद, उसी की खुशी जब नगर पालिका अध्यक्ष को भी थी और मनीष बैरागी और गोलू शाह और अज्जू तीनों को यहाँ पर खुशी थी। इन लोगों को ही पता था कि प्रहलाद दनवार के कहने पर लगभग 2.5 लाख रुपये के फ्लैक्स बाजार के अंदर लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर एक प्रेस वार्ता में आयोजित बताया गया कि यहां पर मनीष बैरागी ने लगभग 2.5 लाख रुपए के फ्लैक्स शहर के अंदर लगाए गए थे और उसी बात के पैसे लगातार मनीष बैरागी द्वारा मांगे जा रहे थे। बताया गया कि मनीष की मम्मी की लगातार स्वास्थ्य खराब होते जा रहा था, उस समय भी प्रहलाद दनवार से मनीष बैरागी द्वारा लगभग पैसे मांगे जा रहे थे, पर उसके बावजूद भी प्रहलाद बनवार द्वारा मनीष को पैसे नहीं दिए गए। बीच में गोलू शाह और अज्जू दोनों साथ लगे हुए थे और एक बार 50,000 रुपये, एक बार 75,000 रुपये दिए गए, पर उसके बावजूद भी और भी पैसा मनीष बैरागी द्वारा मांगा जा रहा था। नहीं देने पर लगातार प्रहलाद बनवार की रेकी की गई। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष को लोकेन कुमावत की दुकान पर लगभग 7:10 पर मौत के घाट उतारा गया। पहले सीने पर गोली मारी गई, फिर उसके बाद दो सर पर गोली मारी गई। मनीष बैरागी ने बताया कि पहले पिस्टल को चलाने के लिए ट्राई भी किया गया था मंदसौर के गांधीनगर में, उसके बाद प्रहलाद दनवार के ऊपर हमला किया गया था और पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पर प्रहलाद दनवार को ही मारने के लिए मनीष बैरागी आया था। बताया जा रहा कि अजय जाट से पिस्टल ली गई थी। अब पुलिस को लगातार देखना ये आ रहा है कि पुलिस अब इस मामले को बता रही है कि मात्र 25,000 रुपये के पीछे प्रहलाद दनवार को मारा गया है, पर अभी सोचना यही है कि मात्र 25,000 रुपये के पीछे प्रहलाद दनवार को कैसे मार सकता है। पर मनीष बैरागी के चेहरे पर एक बार भी सल नहीं आया कि प्रहलाद दनवार को मारने के बाद जो दुख होता है वो भी नहीं हुआ है। SRN टुडे के लिए विपिन चौहान, मंदसौर। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRN टुडे, मंदसौर। SRN टुडे,
शहर की आवाज़।